सैटिन क्रेडिट के नेटवर्क शेयर ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और अभी मेरे को एक कमेंट करा था एक सब्सक्राइबर ने, तो उन्होंने बताया कि इस शेयर का भी एनालाइज करके बताइए क्योंकि किस हिसाब से हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। तो मैंने शेयर को देखा और काफ़ी बेहतरीन लगा और उनको थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने ये शेयर को रिकमेंड करा। मैं भी इसे अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहूँगा और देखता हूँ कहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस जा सकती है। तो आप भी देखिएगा कि आपको इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। शेयर मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगा, ये NBFC के फील्ड में है, इसे लाइसेंस मिला था यहाँ पे 1990 में और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे। इसकी जो बैलेंस शीट जो देखी मैंने, काफ़ी मैं फ़ैन हो गया और मुझे काफ़ी जो मतलब एक DIs को जो अट्रैक्ट करने के लिए चीज़ चाहिए वो इस शेयर के अंदर में है। तो पहले मैं बात करूंगा इसके फंडामेंटल, फिर हम टेक्निकल में जानेंगे किस रेट में इसको बाय करना चाहिए। कंपनी की अगर मार्केट कैपिटल आप देखेंगे 500 करोड़ के आसपास में, कोई ज़्यादा करोड़ इसमें नहीं है और बहुत स्मॉल में है। कब ये मिड से लार्ज बनेगी तो बहुत इंटरेस्टिंग वाली चीज़ होगी जो इसे लॉन्ग टर्म के पर्पज से हिसाब से रखते हैं। और सबसे मेन चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे बुक वैल्यू जो इसकी 200+ है और जो अभी ट्रेड कर रहा है ये 100 के लेवल, ऑलमोस्ट अपने हाफ से ट्रेड कर रहा है ये बुक वैल्यू से मान के चले। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आप देखेंगे 12% है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखेंगे 12%, रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखेंगे यहाँ पे 12% है जो कि बहुत बेहतरीन नंबर हमको देखने को मिलता है। अभी डिविडेंड डिविडेंड दी नहीं है किसी हिसाब से, अगर डिविडेंड अगर देती है तो काफ़ी बेहतरीन चीज़ रह सकती है। लेकिन अभी मैं मान के चलता हूँ अभी ये बुक वैल्यू क्रॉस करेगी तो अपने फिर उसके बाद डिविडेंड पे आउट करना स्टार्ट करेगी, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होगा इस शेयर के लिए। यहाँ पे करेंगे कॉम्पिटिटर की मैं बात करूँ, जैसे आपको बड़े बड़े नाम पता होंगे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, SBI कार्ड, HDFC, मुथूट फाइनेंस, तो ये भी अपने आप को सस्टेन करके रख रही है काफ़ी कम रेट में, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग। और आपको बताया कि फाइनेंस में जितने भी शेयर है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। HDFC की बात कीजिए, बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व, ये शेयर काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं लेकिन ये शेयर आपको इतने सस्ते में मिल रहा है और इसकी जो कि परफॉर्मेंस है काफ़ी तगड़े तौर पर आपको देखने को मिलेगी फंडामेंटल में जब आप लोगों को दिखाऊंगा। डायरेक्ट इनके क्वार्टरली रिजल्ट पर आ जाते हैं। मार्च 2018 की अगर मैं कंपेरिजन करूँ 278 के आसपास है और दिसंबर के आसपास दिसंबर 2020 के आसपास 293 करोड़ के आसपास में, मतलब ऑलमोस्ट इसने सस्टेन करके रख रखी है 2018 से लेकर अगर 2020 तक की बात करें तो। अगर हम डायरेक्ट प्रॉफिट पे आ जाते हैं, अभी कुछ हमें नेगेटिव फिगर देखने को मिली है, शायद इसके जो अगर लाइबिलिटीज होगी वहाँ पे मेन इफेक्ट पड़ा होगा तो उस वजह से इसकी लाइबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिली है और वहाँ पे जो प्रॉफिट है नेगेटिव में आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अगर लास्ट टाइम की परफॉर्मेंस करें तो ऑन एन एवरेज में मैं मान के चला 30 से 40 करोड़ के पर क्वार्टर ये अपना प्रॉफिट दे देता है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो शेयर जो 2009 में 17 थी और वो अभी आके देखेंगे तो 1400 के आसपास में हो गया और लास्ट ईयर से भी कंपेरिजन करेंगे तो वहाँ से अच्छा खासा ये सेल्स इन्होंने बढ़ाई है। डायरेक्ट हम प्रॉफिट पे आ जाते हैं जो हमें मेन फोकस दिखाता है यहाँ पे। लास्ट अगर 2020 की बात की जाए तो वहाँ पे 156 के आसपास में और TTM है यहाँ पे माइनस में 44 के आसपास में, मतलब जो मार्च के भी आएंगे वहाँ पे इसमें कुछ ऐड अप होंगे तो वहाँ से थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये पॉजिटिव में हो सकते हैं। तो अभी बेसिक चीज़ यही आती है कि ये जो नेगेटिव में चीज़ दिख रही है वो कहाँ पे किस वजह से दिख रही है तो वो हमें पता चलेगा बैलेंस शीट में। तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को मैं दिखाऊँ वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, अगर आप इसके जो शेयर कैपिटल देखेंगे 9 करोड़ के आसपास में, अभी 57 करोड़ के आसपास में हो गई है और उस पर जो रिजर्व इन्होंने रखा 1400 करोड़ के आसपास में रखा है और वहीं पर अगर इसकी मार्केट कैपिटल अभी देखेंगे तो 538 करोड़ के आसपास में, जो कि अपने रिजर्व से काफ़ी ज़्यादा 2 या 3 टाइम्स के आसपास में, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है मुझे। इतना ज़्यादा रिजर्व अगर रख रखा हुआ तो मेनली जो शेयर होल्डर है उन्हीं के पास में जाना, तो आपको इस शेयर को लेना बनता है। और आप कह रहे होंगे अभी शेयर में इतनी मोमेंटम क्यों नहीं आई, क्योंकि जिस हिसाब से इसके वैल्यूम्स है वो उतने ही नहीं है जितना होने चाहिए और जितने टाइम्स अगर वो ट्रेड होता है शेयर तो उस हिसाब से शेयर की प्राइस भी बढ़ती रहती है, मतलब जितना ज़्यादा ऑक्शन डिमांड सप्लाई वाला केस चलता है। ये हम डिस्कस करेंगे अपने टेक्निकल सेक्टर में, लेकिन अभी बात करते हैं बैलेंस शीट में हमें और क्या इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ इनकी जो लाइबिलिटीज़ है वो थोड़ा सा हमें थोड़ा सा दिखा रही है कि हाँ अभी थोड़ी बढ़ती हुई जा रही थी, शायद इसी फैक्टर की वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा जो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है वहाँ पे इसको थोड़ा नेगेटिव में फिगर दिख रही है हमें जो प्रॉफिट के, तो इस वजह से। लेकिन अगर ये NBFC में है तो इसे तो बोरिंग देनी पड़ेगी, ऐसा उठा के किसी और को देना तो वहाँ पे जिनसे लिया तो उनको भी पे करना पड़ता, तो ये सारी चीज़ों का फैक्टर करे हुए तो यहाँ पे मैं इसे जस्टिफाई मान रहा हूँ इस लेवल पर। और कुछ ज़्यादा बड़े नंबर नहीं है, 5000 करोड़ के आसपास में, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसके अंदर में। वहीं पर अगर मैं इसके फिक्स एसेट भी देखूँ तो ठीक ठाक है, 50 करोड़ के आसपास में, इतने ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन ठीक है, फिर भी मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग लगी ये सारी चीज़ें।
तो इस शेयर के लिए काफ़ी बढ़िया इस फंडामेंटल के हिसाब से। अभी मेन जो पैटर्न पे आएंगे हम आएंगे अब शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, जहाँ पे मुझे इंटरेस्टिंग चीज देखने को जो मिली। प्रोफाइज ने अपना थोड़ा सा हिस्सा बढ़ाया और जो डीआईज ने अपना थोड़ा हिस्सा कम करा, इसके पीछे का रीजन जान सकता हूँ, क्योंकि ये कम से कम 50 या 60 के लेवल के आसपास में, तो ऑलमोस्ट उन्हें 90% के आसपास रिटर्न मिला हुआ, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक जरूर किया होगा इन्होंने दिसंबर सेशन में, तो एक अच्छी बात है। लेकिन ये फिर से वापस आएंगे, इनकी अगर फंडामेंटल और थोड़े से अच्छे से दिखे, जो हमें नेगेटिव में फिगर दिखे, अगर वो थोड़ा क्वार्टर एंड क्वार्टर अगर पॉजिटिव में देखने को मिले, तो ये जो एफ ओ आईज है और डी आईज है वापस आएंगे शेयर को लेने के लिए। अब मेन फोकस आ जाता है हमारा इस शेयर के अंदर में कि शेयर को किस रेट में लेना बनता है। अभी इसने कुछ अच्छे अहम लेवल तोड़े हैं, 97 के लेवल के आसपास में इसने अभी अभी तोड़ा, और वहाँ से अच्छा खासा 100 के लेवल को भी तोड़ा है, जो होल नंबर के हिसाब से आता है और काफ़ी अच्छा दिखता है 100 के ऊपर में। यहाँ पे मैं मान के चलते हैं ये जो 1-2 के होल्ड करके रखता है, तो इस पोजीशन में आप ऐड कर सकते हैं, और अच्छा खासा यहाँ पे छोटा सा करेक्शन लेके फिर ऊपर की तरफ जा चुका है। यहाँ पे थोड़े थोड़े क्वांटिटी में हम आप ऐड करेंगे तो ये शेयर आपको काफ़ी बेनिफिट देगा, और ऑलमोस्ट आप इसकी बुक वैल्यू जैसे मैंने आप लोगों को दिखाई 200 के लेवल के आसपास में, तो उतने के टारगेट आप इसमें बना सकते हैं। लेकिन आपको अभी थोड़ा सा वेट करना, मार्च का सेशन का वेट करना, फिर इसके जो 2 क्वार्टर आएंगे, तो तब तक इसकी उम्मीद कर रहा हूँ कि वहाँ तक 200 के लेवल पर आ सकता है, तो ऑलमोस्ट 100% के रिटर्न मैं शेयर में मान रहा हूँ। जैसे इनके क्वार्टर रिजल्ट अच्छे आते रहेंगे, तो ये शेयर भी उसी हिसाब से परफॉर्म पॉजिटिव वे में आगे की तरफ में बढ़ता रहेगा, तो हमें अच्छे खासे रेट दिख सकते हैं इसके अंदर में। तो अभी आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफी 500 के लेवल के आसपास इसका मार्केट कैपिटल है, और जैसे ही 1000 करेगा तो ऑलमोस्ट सीधी सी बात है ये 200 के लेवल पे शेयर आ जाएगा। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पे शेयर को एक्युमुलेट कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप यहाँ पे शेयर को ले सकते हैं, तो काफ़ी बेनिफिट करेगा आपको लॉन्ग पर्पज़ के हिसाब से। बहुत बेहतरीन शेयर है और अच्छा काम कर रही है कंपनी, तो आप इस शेयर को ले सकते हैं। लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के।